पूर्णमदः पूर्णमिदं पूरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पंचभूत विवेक प्रकरण पंचदशी ग्रंथ के 86 नंबर विचार हम लोगों ने किया, हो गया नहीं है? 84 हो गया। 84 हो गया, अच्छा 85 हो गया लगता है। 85 हो, 86 चलो। तो यहाँ पर जो है भाई, सत और असत का विवेक चल रहा है ना भाई। सत और असत का विवेक चल रहा है। एक ही सत पदार्थ है, उसमें सारा दृश्यमान जगत, माया माई का पदार्थ जो दृश्यमान जगत है, वो सब असत है, मिथ्या है, कल्पित पदार्थ है। ठीक है, तो समस्त कल्पित पदार्थों में जो अस्थि के रूप से भास रहा है, स्वतः भास रहा है, वो हो गया महावाक्य में होने वाला तत्पद का लक्षात। वो कौन हो गया? तत्पद का लक्षात, वही परब्रह्म है। वो निर्विशेष परब्रह्म सबका अधिष्ठान वही है। ठीक है, उस विवेक का तुम चिंतन करो भाई। हाँ, क्यों? उसी से फल है, उसी से फल है ना, उसी से अज्ञान की निवृत्ति है। ये संसार का विचार करने पर क्या होगा? संसार के प्रति तो आपका अध्यास और बढ़ेगा, समझ रहे हो ना, और बढ़ने वाला होता है। संसार की कोई सीमा तो है ही नहीं। उसको बंद करो, स्विच बंद कर लो। हाँ, एक पिन बढ़ा दो पंखा का, लाइट चली गई भैया। लाइट चलेगी, चलो। तो असतो अवान्तर भेद, और ये अवान्तर भेद हो रहा है। माया है अव्यक्त, और माया का कार्य है व्यक्त। ये अवान्तर भेद क्यों हुआ? तो इस भी चिंतन को छोड़ो, तुम इसको छोड़ दो कि अवान्तर भेद क्यों हो गया। कोई भी चीज़ ठंडा नहीं है, जल क्यों ठंडा हो गया? कोई भी गर्म नहीं है, अग्नि गर्म क्यों हो गया? ऐसा विचार करने का कोई प्रयोजन है नहीं, इसके कुछ फल मिलने वाला है नहीं। ठीक है, बस सारे संसार दृश्यमान पदार्थ को बस मिथ्या मान करके छोड़ दो। यही फलित अर्थ निकला 86 में। 86 चलेगा क्या? 86 चलेगा, 86 नंबर। हाँ, चलो। फलितम आह
सद्वस्तु ब्रह्म शिष्टोंसो वायुर्मिथ्या यथा वियत वासयित्वा चिरं वायुर् मिथ्यात्तम मरुतं तजेत। गुरु भाई देखो जथा वियत, जथा वियत, वियत किसको बोलते हैं? आकाश को। वियत किसका नाम है? आकाश। आकाश के विषय में आपने जैसा चिंतन किया, चिंतन करके निश्चय कर लिया, ऐसा वायु के विषय में भी चिंतन करके निश्चय कर लो। तो आकाश के विषय में क्या चिंतन करके आपने निश्चय किया? आकाश है, ये तो व्यवहार हो रहा है। क्या व्यवहार हो रहा है? आकाश है, ये व्यवहार है कि नहीं? तो उसमें जो अस्थि अंश है, क्या है? उसमें जो अस्थि अंश है सत, वो हो गया ब्रह्म। ये कह रहे हैं सद वस्तु ब्रह्मा। आकाश है में जो व्यवहार हो रहा है, आकाश है के रूप से जो व्यवहार हो रहा है, वो है अंश हो गया कौन? ब्रह्मा। सद वस्तु किम? ब्रह्मा। सद वस्तु क्या है? ब्रह्मा। उसकी अनुवृत्ति हो रही है ना, उसका व्यतिरेक कभी नहीं होता, व्यभिचार नहीं होता है, सुन रहे हो? वही सत अंश सर्वत्र है, और आकाश का व्यतिरेक हो जाता है, आकाश का व्यभिचार हो जाता है। ये जागृत का आकाश स्वप्न में दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो व्यभिचार हो गया कि नहीं? व्यतिरेक हो गया। सुषुप्ति में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अस्थि अंश तो है, सुन रहे हो? जो जागृत के आकाश को सत्ता दे रहा है, वही स्वप्नों के आकाश को सत्ता दे रहा है, और आकाश का जो कारण है अज्ञान माया, वही अज्ञान को भी सत्ता दे रहा है सुषुप्ति अवस्था में, नहीं है? तो अज्ञान में सत्ता जो आ रही है ना, कहाँ से आ रही है? उड़ने के बाद जो बोलते हो, अरे भाई मैंने बड़े सुख से सोया, कुछ नहीं जाना, ये कुछ नहीं जाना को सत्ता कौन दे रहा है? वो सद ब्रह्म ही देता है, सुन रहे हो? ठीक है, वही सद ब्रह्म वो आकाश में है। ठीक है, तो सद वस्तु कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्म से क्या लेंगे? ब्रह्म शब्द का लक्षार, सुन रहे हो? तो ब्रह्म शब्द का लक्षार्थ क्या है? सविशेष हुआ कि निर्विशेष हुआ? निर्विशेष। क्यों निर्विशेष हुआ? क्योंकि आकाश तो मिथ्या है ना। आकाश यदि वास्तविक होता है तो आकाश है में जो है अंश, वो क्या हो जाता? सविशेष हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन आकाश तो मिथ्या है, इसलिए आकाश में जो अस्थि अंश वो क्या हो गया? निर्विशेष। सुन रहे हो? ये विचार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बता दिया, जथा वियत मिथ्या, वियत जैसे मिथ्या हुआ, ये ना आकाश, और आकाश में सद वस्तु कौन है? ब्रह्म है, उसका बाद नहीं होता है, बात समझ में? तो ठीक इसी प्रकार से वायु मिथ्या, वायु क्या है? मिथ्या। और वायु है कौन? सत्य है। वायु में जो अस्थि अंश है, वायु है, कैसा वायु? अरे भाई ठंडी ठंडी वायु, जो ठंडा वायु बह रहा है, बोलते हैं ठंडा वायु बह रहा है, बह रहा है, बड़े वेग से बह रहा है, जो बह रहा है, जो बोलते हो बह रहा है, वो अस्थि जो अंश है, इसको हिंदी में है के रूप से व्यवहार करते हो, जिसको संस्कृत में अस्थि के रूप से व्यवहार करते हो, सुनते हैं ना, वो हो गया सद वस्तु ब्रह्म। और उसमें जितने भी शिष्ट अंश है, बाकी अंश है ना, सत से अतिरिक्त जो अंश है कौन कौन हो गया? नाम रूप ये सब हो गया, सुन रहे हो? बहना रूपी क्रिया, वो शब्द गुण हो गया है, तो जैसे उसमें अनुसना सीता स्पर्श हो गया, ये सब जितने भी है शिष्ट अंश, अस्थि को छोड़कर के जितना बचा हुआ अंश, वो सबको क्या समझना चाहिए? मिथ्या है कि नहीं? बोलते हैं अस्थि भी मिथ्या हो जाएगा। अरे मिथ्या हो जाएगा तो फिर ये अधिष्ठान कौन बनेगा? वायु तो मिथ्या हुआ,
और वायु में जो अस्थि अंश है वो यदि मिथ्या हो जाएगा तो उसका अधिष्ठान फिर कौन होगा? बिना अधिष्ठान तो बिना अधिष्ठान का तो कहीं भी मिथ्या वस्तु नहीं होती है, होती है क्या? तो शून्यवाद का प्रसंग हो जाएगा, और शून्यवाद सिद्धांत नहीं बनता है। सब कुछ शून्य शून्य है तो कहाँ पर सब कुछ शून्य है बताना पड़ेगा ना। सारे शून्य को कौन जान रहा है वो बताना पड़ेगा, है कि नहीं? ये शून्यवाद तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। भाषयित्वा चिरं वायोर मिथ्यात्म मरुतम तेजे, बोलते हैं ये जो विचार कर रहे हो वायु में जो मिथ्या का, ये कब तक करना है? जब तक आपकी बुद्धि में मिथ्यात्व का निश्चय ना हो जाए, बिल्कुल ना बैठ जाए, चिरं भाषयित्वा, बस है ना, है तो आप उसकी जो वासना है, किसके वासना है? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की वासना आपकी बुद्धि में परिपक्व रूप से बैठ जाए, बिल्कुल कभी ना हटे। जैसे व्यवहार काल में कभी नहीं हटता शरीर में आम बुद्धि, क्यों? मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये जो बुद्धि कभी हटती नहीं, क्यों? ये बुद्धि क्यों नहीं हटती है? ये बुद्धि का जो हेतु है वासना, संस्कार। तो संस्कार अत्यंत दृढ़ होने से, संस्कार से होने वाली ये बुद्धि वो भी परिपक्व हो जाती, दृढ़ हो जाती है, ओके कि नहीं? इसी प्रकार यहाँ पर भी करना पड़ेगा, वायु मिथ्या है ना, कभी भी वायु में सत्यत्व बुद्धि ना हो, मिथ्यात्व बुद्धि हो जाए, ठीक है भैया? हाँ, इसलिए मिथ्यात्म वायु और मिथ्यात्म, तो वायु में मिथ्यात्व बुद्धि हो गए तो वायु का त्याग हो गया, और क्या है? मरुतम तेजेत, मरुत को छोड़ दे, मतलब क्या छोड़ दे? सत्यत्व बुद्धि छोड़ दे, सत्यत्व बुद्धि छोड़ देना, यही मरुत को छोड़ देना, और क्या, ठीक है? ठीक है, थोड़ी सी देख लो भैया। वायो यह सत अंश तद ब्रह्म रूपम, अरे देखो वायु में जो सत अंश है, सत अंश में वायु है कि वायु में सत अंश है भैया? सतंश में वायु नहीं, कौन किसमें है? लेकिन कौन किसमें है? सतंश में वायु है, सात में और वायु, और वायु में सत नहीं है, है? दोनों है, सुनो दोनों है, दोनों है भैया, दोनों है, है ना? जैसे कहते हो ना सर्प है, एक नहीं, इदम सर्प बोलते कि नहीं, यह सर्प और सर्प यह बोलते कि दोनों कहते हैं, पहले बताया आप लोगों को, दोनों में अध्यास होता है भैया, कहाँ पर होता है? सत्य मिथ्या में क्या होता है? अध्यास होता है, सत्य नृत्य मिथुनी कृत्य, भगवान भाष्य करने का कि नहीं, सत्य नृत्य मिथुन, अनृत में भी सत्य होता है, सत्य में भी अनृत होता है, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। जैसे सर्प में रस्सी अध्यस्त तो है लेकिन स्वरूप से नहीं है, संश्रिष्ट होकर के, उसके संसर्ग अध्यास कहा, क्या कहा? संसर्ग अध्यास कहा, सुन रहे हो, ठीक है? लेकिन जो रस्सी में जो सर्प है वो स्वरूप से भी अध्यस्त है, संश्रिष्ट रूप से भी अध्यस्त है, सुनते हो? मतलब सर्प स्वरूप से भी मिथ्या है और सर्प का संबंध भी मिथ्या है, सर्प ही मिथ्या है रस्सी में और सर्प का संबंध भी मिथ्या है, सुन रहे हो? लेकिन सर्प में जो रस्सी अंश है भैया वो स्वरूप से मिथ्या नहीं है, वो रस्सी तो है ही हो, उसका संबंध मिथ्या है, ठीक। इसी प्रकार से ये जो सद ब्रह्म है वो स्वरूप से तो है ही, है ना? उसका आध्यासिक आविद्य को संबंध को मान करके बोलते हो, जैसे सर्प में सर्प है बोलते हो, समझे कि नहीं? हाँ, इसी प्रकार से सर्वत्र जो अस्थि अस्थि अंश कह रहे हो उसका आविद्य का संबंध को लेकर के कहा जाता है कि सर्वत्र ब्रह्म है, क्या कहा जाता है? सर्वत्र ब्रह्म कहने से क्या हुआ? ब्रह्म स्वरूप से मिथ्या नहीं है, स्वरूप से कल्पित नहीं है, ब्रह्म का आविद्य का जो संबंध है वो मिथ्या है,
ठीक है, अविद्य को संबंध को लेकर के ब्रह्म सर्वत्र है कहा जाता है, सुन रहे हो ना, ये समझना पड़ेगा। ठीक है चलो, तो वायु देखो लिखे ना ठीक है, अगर वायु यह सतंश, वायु में सतंश बोल रहे हैं, मतलब क्या सतंश का संबंध को आरोप करके कहा जाता है वायु में सतंश है, ठीक है नहीं, हाँ नहीं तो मिथ्या वस्तु में सत्य क्या रहेगा। ठीक है, वो तद ब्रह्म रूपम, मतलब वायु में जो सत रूप से भास रहा है, ठीक है, वो कौन है, वो ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, ठीक है, उसी को तत्पदार्थ कहा जाता है महावाक्य में। शिष्टो अंशो, बाकी जो शिष्ट अंश बचा हुआ अंश, मतलब सत को छोड़ कर के बाकी जो बचा हुआ अंश, ठीक है शंभो, हाँ कौन कौन सा है, निस्तत्वादि वायुर स्वरूपम, निस्तत्वादि वायु निस्तत्व है, वास्तविक तत्व नहीं है वायु, सुन रहे हो, तो निस्तत्व किसको लेकर आया, माया को लेकर, माया निस्तत्व होने के कारण माया को लेकर जो भासने वाला जो वायु है वो भी क्या होगा, निस्तत्व हो जाएगा, सुन रहे हो ना, और आदि से क्या लेंगे भैया, आदि से ले लो शब्द ले लो स्पर्श ले लो वेग ले लो, ठीक है नाम ले लो, ये सब के सब क्या है, हैं ये वायु का हुआ और वो सब मिथ्या है, ये बात कह रहे हैं, सच वायुर निस्तत्व रूपत्व, वायु मिथ्या क्यों है, निस्तत्व रूप होने से वो मिथ्या है, हो गया ना भैया, वायुर मिथ्या अनुमान हो जाएगा ना, वायुर मिथ्या, क्यों मिथ्या है, निस्तत्वात निस्तत्व रूपत्वात, है ना, हाँ ऐसा होता है। जैसे आकाशवत मिथ्या, आकाश की तरह आकाश जैसे मिथ्या है वायु भी मिथ्या है, ठीक है, ये तार्किक लोग विचार नहीं करते हैं ना, तार्किक लोग ऊपर ऊपर चलते हैं, किसके आधार पर चलते हैं, अपनी बुद्धि के आधार पर चलते हैं, अरे हमारी बुद्धि जब नहीं मान रही है तो वेदांत को क्यों मानेंगे भैया, तार्किक लोगों का आधार क्या है, तार्किकों का आधार है तो वेद है, वेद को मानते हैं लेकिन वेद को प्राधान्य नहीं मानते वो लोग, तर्कों को प्राधान्य मानते हैं, गड़बड़ी उसी में है, तो आस्तिक दर्शन न्याय भी है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा ये सब आस्तिक है कि नहीं, वेद को मानते हैं, वेद को प्रमाण तो मानते हैं लेकिन वेद में वेद प्रमाण को प्राधान्य नहीं मानते, सुन रहे हो, प्राधान्य किस में मानते हैं, अपनी बुद्धि को मानते, बुद्धि में प्राधान्य मानते, तर्क में प्राधान्य मानते हैं, और हम लोग प्राधान्य किस में देते हैं, वेदांत प्रमाण में प्राधान्य देते हैं, तर्क तो उनका सहकारी है, तर्क तो क्या है, पहले श्रवण करोगे पहले मनन करोगे, पहले श्रवण जो सर्वत्र एक आ जाता है, फिर आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य पहले कहा गया, उसके बाद मंतव्य, ऐसा नहीं कि पहले मनन करो उसके बाद श्रवण करो, ऐसा नहीं, ठीक है चलो। अच्छा ठीक है, इत्तम वायु और मिथ्यात्म, देखो वायु में मिथ्यात्व कब तक करना चाहिए, जब तक उसका संस्कार दृढ़ ना हो जाए, किसका संस्कार, मिथ्यात्व का संस्कार, मतलब कभी भी किसी भी अवस्था में सत्यत्व बुद्धि ना हो, यही संस्कार के दृढ़ता है, संस्कार के दृढ़ता क्या है, कभी भी वायु में सत्यत्व बुद्धि ना हो, सुन रहे हो, हाँ जैसे कभी भी लड्डू में सत्यत्व बुद्धि ना हो, यही लड्डू में मिथ्यात्व का निश्चय कहा जाएगा, सुन रहे हो ना, कभी भी सत्यत्व बुद्धि ना हो, ये कब होगा, धीरे 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 संस्कार का बढ़ाव होगी, तो कैसे पता लगेगा, संस्कार बढ़ रहा है, शास्त्र शास्त्रीय विचार जन्य संस्कार बढ़ रहा है, कैसे पता लगेगा बोलो, विषय में यदि आपका राग द्वेष हट रहा है, क्या है दोनों समझ लो,
विषयों के प्रति यदि आपका राग द्वेष घट रहा है, ठीक है, तो समझ लो कि हमारा संस्कार शास्त्रीय विचार से होने वाला संस्कार बढ़ रहा है। सुन रहे, इसलिए सिंहावलोकन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो हमारी बुद्धि का स्तर कितना था पहले, वेदांत तो श्रवण करने से पहले, विचार करने से पहले, और अभी हमारी बुद्धि का स्तर कितना है, सिंहावलोकन करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। वासयित्वा मरुतम त्यजे, इले मरुत का त्याग कर दे। अरे वायु का कैसे त्याग करो भैया, हैं, पंचदशी पढ़ोगे तो वायु बहना बंद हो जाएगा क्या? हैं, पंचदशी पढ़ोगे तो वायु का त्याग हो जाएगा? वायु का त्याग करे तो शरीर नहीं चलेगा, प्राण नहीं चलेगा, हैं, फिर वायु कैसे त्याग करोगे? पंचदशी कार ने बोलते हैं मरुतम त्यजे, हैं, तो वायु का त्याग कर दो। त्याग कर दो मतलब क्या त्याग करना है, देखो लिखे हैं टीकाकार, मरुत सत्य, क्या बोल दिया, मरुत सत्य है, वायु सत्य है। ये जो बुद्धि है ना, हैं, ये कब से बुद्धि है? वायु को सत्य मानते आ रहे हो, कब से है? अनादिकाल से। म्यूट करिए, म्यूट करिए, विजय शुक्ला जी म्यूट करिए। छोड़ दिया लगता है हमको। हाँ, अरे भाई इसको मिथ्या मानकर छोड़ दो। क्या हो गया भैया ये? उसको मैंने हटा दिया फिर। चलो, तो कहते हैं मारुत मरुत सत्य इति बुद्धिम त्यजेत। मैं वायु में जो सत्यत बुद्धि हो रही है ना अनादिकाल से, विचार न करने पर, क्या न करने पर, विचार न करने पर वायु में सत्यत बुद्धि हो जाती है ना, है कि नहीं? अरे वायु में ठंडा ठंडा बहता है तो अच्छा लगता है कि नहीं? तो लगता है कि वायु सत्य है, लेकिन है नहीं। चलो, तो वायु, हाँ ठीक है, मरुत सत्य इति बुद्धिम त्यजेत। मरुत में जो सत्यत बुद्धि हो रही है ना, उसको छोड़ दें, है ना? संभव है? संभव है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो ये त्याग का विधान हुआ भैया। क्या है? सत्यत बुद्धि का त्याग का विधान हो रहा है, वायु के त्याग का विधान नहीं हो रहा है। वायु में सत्यत्व बुद्धि के त्याग का विधान हो रहा है। ठीक है, चलो। 87 नंबर, वायु उक्तम विचारम तेजसी अपि अति दिशते। वायु में जो विचार बता दिया है, उसमें सद ब्रह्म को छोड़कर के जितने भी है सब मिथ्या है, ये विचार करना। ऐसा विचार तेज में भी करते जाओ। 87 नंबर, चिंतयेद् वह्निमाप्येवम् मरुतो न्यूनवर्तिनम् ब्रह्माण्डावरणेष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा। देखो भैया, कहते हैं कि चिंतेत बन्हिम अप्येव, पढ़ने वाला तेज और क्या,
उसका भी ऐसा ही विचार कर लो एवं उसी प्रकार वायु का जैसा विचार किया ऐसा ही करना है ना। मरुतो न्यूनवर्तिनम, वायु के कम देश में तेज रहता है, कार्य कारण के कम देश में रहता है ना। न्यूनवर्तिनम न्यून वर्तते इति न्यूनवर्ती, वायु के न्यून अंश में रहता है। जैसे परमात्मा के है ना दशांश में कौन रहती है, माया रहती है, बराबर ना। उसके दशांश में कौन रहती है, हैं बोलो, आकाश माया के, और उस आकाश के दशांश में कौन है, वायु, और वायु के दशांश में कौन है, हैं तेज अग्नि। ये पुराण के आधार पर कहा जा रहा है, किसके आधार पर, पुराण के आधार पर कहा जा रहा है, ठीक है। मरुतो न्यूनवर्ती नाम कौन, बन्नी, ठीक है। हाँ ये विचार आया पुराण में, ब्रह्मांड आवरणेषु एषा न्यूनाधिक विचारणा। ब्रह्मांड के आवरण, ये सारा ब्रह्मांड हो गया, उसको चारों तरह घेरा हुआ है पंचम महापुर, उसमें न्यूनाधिक का विचार आया पुराण में आता है भाई, कौन है, विष्णु पुराण में आया, भागवत में भी आया है ना, ये सब आया है, ठीक है। कारण कार्य का विचार आया है ना, कार्य अपने अपने कारण के दशांश में रहता है, ठीक है, ये विचार है, ठीक है। थोड़ी सी देख लो, ननु सद वस्तुनि एक अधिशस्ता माया तत्र इत्यादिना वेदादिनाम न्यूनाधिक भाव उक्त सलोके न क्वापि दृश्यते। अरे भाई आप जो कहते हो ना, 78 नंबर श्लोक में कहा सद्वस्तु ने एक अधिशस्ता, सद्वस्तु परमात्मा है परम ब्रह्म, उसके एक देश की तरह, एक देश समझ लो दशांश में, एक देश में कौन है, माया, मतलब पूरे ब्रह्म को व्याप करके माया नहीं रहती है, ठीक है भैया। उस माया के कुछ देश में आकाश, उस आकाश के कुछ देश में वायु, इस प्रकार विचार आया, समझ में आया ना। लेकिन व्यवहार में तो ऐसे कैसे नहीं दिखता हमको, ऐसा दिखता है क्या, क्यों नहीं दिखता ना। आकाश के कुछ अंश में वायु है, वायु के कुछ अंश में तेज है, तेज के कुछ अंश में क्या है, जल, ऐसा तो नहीं है। तो आपके कहने से हम कैसे मानेंगे, ये शंका हुई। तो कहते पुराण में ये बात आई भाई, अगले श्लोक में बता जाएगा। ब्रह्मांड आवरण यीशु, ब्रह्मांड के आवरण में मीनाधिक का विचार आता है, कहाँ पर आता है, पुराण में आता है, ठीक है। हाँ ये बता रहे आगे, वायु हो कियत अंशे न न्यून बन्नी, वायु हो गया कारण और तेज हो गया कार्य, तो वायु कारण के कितने अंश में बन्नी तेज रहता है ना। आप लोग को तो बता दिया दशांश में, ये कह रहे हैं वायु और दशांश तो न्यून हो बन्नी वायु प्रकल्पित, पुराणोक्तम तारतम्यम दशांशर्भूत पंचके। बन्निर्वायु प्रकल्पितः देखो, यदि दस भाग वायु है तो एक भाग बन्ही समझ लो, और क्या, ठीक है। दस भाग यदि वायु है तो एक भाग क्या है, तेज अग्नि है, ये कह रहे। वायु दशांश तो न्यूना, वायु दशांश है, वायु दस भाग है तो उसके एक भाग कौन हो गया, न्यून देश बन्ही हो गए, है कि नहीं। तो अधिक कौन हो गया, वायु हो गई कि नहीं, और कम कौन, तेज हो गया ना। तब तो वे सत्य हो जाएगा, वायु को भी सत्य मान लो, है कि नहीं, और तेज को भी सत्य मान लो। नहीं, हम हमारे वेदांत के अनुसार कार्य कारण से वास्तविक भिन्न होता नहीं है, तो कारण की सत्ता ही कार्य में दिखती है। इसलिए बोल दिया वायु प्रकल्पित, वायु में कल्पित है,
वायु में कल्पित का अर्थ क्या होता है? वायु अवच्छिन्न सद ब्रह्म में कल्पित है। कौन? ठीक, हाँ ये ध्यान में रखो। जैसे सर्प कहाँ पर कल्पित है, ये तो केवल समझाने के लिए बोल देते हैं कि रस्सी में कल्पित, रस्सी में, रस्सी तो स्वयं कल्पित है, वो क्या है उसमें क्या कल्पित है? मतलब वायु है रज्जु, मतलब रस्सी, रस्सी अवच्छिन्न जो सत कहो, रस्सी अवच्छिन्न जो चेतन कहो, उसी में सर्प कल्पित होता है। क्या समझ में आया? रस्सी में जो सत है ना, वही सत्ता देता है किसको? सर्प को दे। समझ में आए कि नहीं? तो सर्प कल्पित है कहाँ पर, मतलब क्या है? रस्सी में जो सत है, मतलब रज्जु अवच्छिन्न जो सत कहो, रज्जु अवच्छिन्न जो चेतन कहो, उसी में कौन? सर्प कल्पित है। समझ रहे हो ना? ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से हैं, ये वायु में कल्पित है तेज, मतलब क्या हुआ? वायु में जो सात अंश है उसमें कल्पित कौन है? तेज है ना। ये तेज भी सत्य नहीं है, जैसे आकाश सत्य नहीं, उसी प्रकार क्या, हाँ कहाँ से समझेंगे? हैं माया कहाँ पर कल्पित है? सद ब्रह्म में। ठीक है, जिस ब्रह्म में माया कल्पित, उसी ब्रह्म में आकाश कल्पित, उसी ब्रह्म में वायु कल्पित, उसी ब्रह्म में क्या तेज कल्पित। कहाँ तक चलते जाओगे? कहाँ तक? इधर तक आना है, कहाँ तक? शरीर तक आना पड़ेगा। फिर उसी ब्रह्म में है, क्या है? जल कल्पित। उसी ब्रह्म में क्या कल्पित? पृथ्वी कल्पित। उसी में फिर पंचभौतिक कल्पित, और उसी में ऐसे नहीं सारा संसार कल्पित है, लेकिन मेरा शरीर तो सत्य है, ऐसा नहीं। ये शरीर भी क्या है? ये भी कल्पित है। कौन सत्य? मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्ता दे रहा हूँ। बताओ, आपकी सत्ता ना हो तो शरीर में सत्ता में क्या प्रमाण है? बताओ, बोले शरीर की सत्ता में क्या प्रमाण है? है ना, आपकी सत्ता यदि ना हो तो शरीर की सत्ता में कोई प्रमाण है? बोलो, कोई प्रमाण नहीं होता। चलिए आगे। ये बोलते, ये बात जो कहते हो वेदांती, इसमें क्या प्रमाण है बताओ? कि कार्य अपने कारण के दशांश होता है, इसमें क्या प्रमाण? पुराण है, पुराण, पुराणोक्तम तारतम्यम, पुराण में ये बात कही गई है, तारतम्य बताया गया। दशांशेर भूत पंच के, पंच महाभूत में दशांश का कथन किया गया। कैसे दशांश आप लोग को बता दिया, ठीक है? ठीक है, देख लो। तस्य वास्तवत्व संख्याम, तस्य मतलब कस्य? तेजस। तेज वास्तविक हो जाएगा? बोलते नहीं, वायु प्रकल्पित, वायु अवच्छिन्न जो सत, सत ब्रह्म में हाँ कौन कल्पित है? तेज कल्पित है। ननु अयम न्यूनाधिक भाव, ये जो न्यूनाधिक भाग बोल रहे हो, कार्य होता है कम, कारण होता है ज़्यादा, कारण होता है ज़्यादा, सुन रहे हो? कार्य होता है कम, ठीक है ना? हाँ, जैसे घड़ा बनता है मिट्टी से, ठीक है ना भैया? तो मिट्टी तो ज़्यादा है, घड़ा तो कम होता है ना? क्योंकि देखो हैं, सकल हैं मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होने पर भी, सुन रहे हो? लेकिन घड़ा को बनाने की शक्ति जिसमें है, उसी मिट्टी से उत्पन्न होता है घड़ा, सुनते हो ना? है ना, ये विचार आया, पहले आया कि नहीं? अच्छा, तो न्यूनाधिक भाव, ये जो न्यूनाधिक भाव कह रहे हो, स्वकपोल कल्पित, स्वकपोल कल्पित मतलब क्या है? मनोराज्य क्या है? अपने मन के अनुसार बोलने को बोलते हैं सकपोल कल्पित, सकपोल है ना कल्पित, अपनी बुद्धि के अनुसार कल्पना, ठीक है? जैसे नैयायिक लोग करते हैं, अरे भाई ये परमाणु था सृष्टि से पहले, हाँ उस परमाणु से जगत की उत्पत्ति हो गई, तो तुमने देखा है क्या परमाणु को? क्या सृष्टि से पहले परमाणु था, सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, लेकिन परमाणु रहेगा, आकाश रहेगा, दिशा रहेगा, तुमने देखा है क्या? सृष्टि प्रलय हो जाएगा तो ये सब रहेगा, तो क्या कपोल कल्पित है? वो क्या है?
कपोल कल्पित है, ठीक है। सारा संसार सत्य है, सारा संसार सत्य है, ये सभी काल में संसार रहेगा। कैसे पता लगा तुमको, बोलो? तीनों काल को तुमने देखा है? तीनों काल में तीनों काल को जब देखा नहीं, तीनों काल में संसार रहेगा, कैसे निश्चय किया तुम? ये सब क्या है? कपोल कल्पित है। क्या है ये? कपोल कल्पित होता है। इसी प्रकार ये भी कपोल कल्पित है क्या? बोलते नहीं, ये पुराण में कहा गया, कार्य अपने कारण का दशांश होता है। कौन सा पुराण? टिप्पणी में दे दिया है, विष्णु पुराण में है, भागवत में भी है, भागवत में भी। अच्छा आगे देखो, बन्हे स्वरूपम, बन्ही का स्वरूप बनला तेज, बन्ही रुष्ण प्रकाशात्मा पूर्वानुगतिरत्र च अस्ति बन्ही स निस्तत्त्वः शब्दवान स्पर्शवान अपि। देखो बन्ही के स्वरूप को समझ लो, बन्हीर उष्णा, बन्ही तो गर्म है ही सब जानते हैं, और प्रकाश भी होता है, बन्ही से प्रकाश भी होता है, प्रकाश आत्मा, आत्मा का स्वरूप। बन्ही का स्वरूप है उष्णा बोल दिया, बन्ही का स्वरूप है प्रकाश है कि नहीं? पूर्वानुगति अत्र च, पूर्व जो कारण है उसकी अनुगति, उसकी अनुवृत्ति बन्ही में हो जाएगी, सुन रहे हो? जैसे वायु में किसकी अनुवृत्ति है? आकाश के धर्म की, माया के धर्म की, और ब्रह्मा के स्वरूप वायु में हो कि नहीं हुई? इसी प्रकार तेज में भी समझ लो, कैसे? देखो अस्ति बन्ही ही है ना, बन्ही है, बोल रहे हो कि नहीं? ये अस्थि अंश किसका है? ब्रह्मा के, क्या है? ब्रह्मा के स्वरूप का है, ब्रह्मा के मां परमात्मा के स्वरूप रूपी धर्म का है। क्या है? धर्म भी दो प्रकार का होता है, सुन रहे हो? एक स्वरूप रूप से धर्म है और एक कल्पित रूप से धर्म है। आप ब्रह्मा का जो अस्तित्व है वो क्या है? उस स्वरूप रूप से धर्म, जैसे मैं हैं बोलते हैं कि हैं कि मेरा स्वरूप, मेरा मेरी सत्ता, मेरा चैतन्य, मेरा आनंद, ये सब क्या है? सत्ता, आनंद, चैतन्य, ये सब क्या? आत्मा का स्वरूप है, वो स्वरूप होकर के धर्म कहा जाता है, सुन रहे हो? हाँ, लेकिन ये बन्ही में जो है उष्ण है, बन्ही में जो प्रकाश, ये सब क्या है? कल्पित धर्म है, ये सब क्या है? कल्पित। अरे बन्ही से जान जब कल्पित है तो बन्ही का धर्म भी क्या होगा? कल्पित होगा, सुन रहे हो? बंध्या जब कल्पित है ना, बंध्या क्या है? कल्पित है कि नहीं? अरे बंध्या क्या मान लिया अपने को? माँ मान लिया सपना में, तो मातृत्व जब कल्पित है तो पुत्र तो क्या होगा? वो भी कल्पित होता है कि नहीं? इसी प्रकार लेकिन अस्थि अंश कैसा है? ये तो ब्रह्म का स्वरूप, वो दिखता है बन्ही में, बन्ही है, बोलते हो कि नहीं? तो बुद्धि जब जाएगी बन्ही में तो कैसा अनुभव होता है? बन्ही है, तो झट से आपकी बुद्धि में क्या निश्चय होना चाहिए? अस्थि अंश ये ब्रह्म का स्वरूप है, ठीक है? और जब विचार करेंगे तो बन्ही का ही बात हो जाता है, कुछ तत्व तो निकलता नहीं बन्ही का, है ना? और जिसका तत्व कुछ निकलता नहीं उसी में लोग लगे रहते हैं तार्किक लोग, क्यों? जिसका कोई तत्व वास्तविक निकलता नहीं है उसमें लोग लगे रहते हैं, कहाँ पर? संसार में, ठीक है? तो बन्ही में जो निस्तत्व है वो किसका है? वो बन्ही का ही है, ठीक है? माया को लेकर हुआ, माया को लेकर लो। शब्दवान स्पर्शवान अपि, ये देखो शब्द किसको लेकर आया? आकाश को लेकर आया, सुन रहे हो? शब्द किसको लेकर आया? वो आकाश का जो धर्म है शब्द, उसकी अनुवृत्ति कहाँ पर होती है? बन्ही में होती है।
स्पर्श वायु का, ठीक है। हाँ ऐसा, ये जो प्रकाश है रूप, वो रूप किसका है, वो वह्नि का होता है, ठीक है ना। ये विचार करना पड़ा। तो जैसे आपने वायु में विचार किया है ना, वायु में जो अस्थि अंश है वो अस्थि अंश ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसी प्रकार वह्नि में जो अस्थि अंश है वो है सत्य, बाकी जितने भी है कौन, शब्द स्पर्श रूप नाम, ये सब क्या है, वो मिथ्या है। वो क्या है, मिथ्या। सुन रहे हो, ऐसा होता है, ठीक है। ये सब माया का परिणाम क्या है, ये माया का सब परिणाम कौन हो गया, शब्द स्पर्श रूप नाम, ये सब क्या है, माया का परिणाम। अरे उसको सत्ता कौन दे रहा है, ब्रह्म ही सत्ता दे रहा है, वो अस्थि अंश ही सत्य है, बाकी जितने भी है सब क्या है, कल्पित है। समझ में आया, तो यहाँ पर वो अनुमान हो जाएगा, वह्नि ही मिथ्या। क्या है, तो क्या देंगे, निस्तत्वात् यथा वायु यथा वायु, ये हो जाएगा, ठीक है नारायण। अत्रापि वायु इव कारणधर्मा अनुगता है, जैसे वायु में अनुगत होते हैं अपने कारण के धर्म, इसी प्रकार तेज में भी अनुगत होते हैं कारण के धर्म। किए थे धर्म, कौन कौन धर्म अनुगत होते हैं तेज में, कौन कौन है, अस्थि निस्तत्व शब्द स्पर्श, किसके है, अरे किसके सब, अपने कारण के, ठीक है। अस्थि हो गया विवर्त उपादान, अस्थि हो गया विवर्त उपादान, सुन रहे हो। और परिणामी उपादान कौन कौन, माया आकाश और क्या है, वायु, समझ लो ठीक है। तो माया को लेकर निस्तत्व आया, मिथ्यात्व आया, ठीक है। आकाश को लेकर शब्द आ गया है, क्योंकि कारण गुणा कार्य गुणान आरभ बनते, कारण के गुण कार्य में दिखते हैं, क्या है, कारण के गुण कार्य सर्वत्र नहीं, जहाँ पर दिखते हैं उसको ले लो, ये गारंटी नहीं है कि कारण का गुण अवश्य ही आएगा कार्य में, ये गारंटी नहीं है, कहीं होता है कहीं नहीं भी होता है, कहीं नहीं भी होता है, ठीक है। चलो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण